नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी K2, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन K2, ठीक है, नंबर सी कंचनजंगा, एंड ऑप्शन डी होगा आपका माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों K2, मतलब गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसका नाम है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 5 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 50 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, एंड ऑप्शन डी होगा आपका तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा थोरियम का जो भंडार है ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और ये भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का जो थोरियम का भंडार है वो भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऐसा वार्षिक मेला है जो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वार्षिक मेले वो होते हैं जो एक साल में केवल एक ही बार जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं वार्षिक मेला। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा कौन सा वार्षिक मेला है जो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्कर मेला। जी हाँ दोस्तों, जो पुष्कर मेला है वो ऊँट के व्यापार के लिए पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, और पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में। ठीक है, पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? मतलब निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है आपके झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। जी हाँ दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक कुछ बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली एक वीडियो की PDF फाइल मिलती रहेगी। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की PDF फाइल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए है आपका बाबर, ऑप्शन बी है आपका औरंगजेब, ऑप्शन सी है आपका अकबर, एंड ऑप्शन डी है आपका हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? ठीक है,
खानवा और घाघरा का जो युद्ध था वो किस मुगल शासक ने लड़ा था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं एंड ऑप्शन डी बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? ठीक है, चौसा का जो युद्ध हुआ था वो किस किसके बीच में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हैं वो ऑप्शन हैं आपके अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह एंड इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन ए है दोस्तों अकबर, ऑप्शन बी है आपका बाबर एंड ऑप्शन सी है आपका शाहजहां एंड दोस्तों ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इतिहासकारों ने जो राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया है वो दिया है अकबर के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा अकबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपने जैसा कि देखा होगा वीडियो के इस PDF की जो आप डाउनलोड करेंगे उसके आप थर्ड पेज पे देखना, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो वीडियो है दोस्तों वो केवल डिफेंस के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब डिफेंस का मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी भर्ती वाली नौकरी होती है जैसे RPF, CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है एटसेट्रा, तो इस टाइप की जो जॉब्स होती हैं इनके रिटर्न एग्जाम्स में जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो जो रेडियो स्टेशन थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किए गए थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन था भारत में वो दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।